जब मैं कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो आई रीड इट एज एन ऑडियंस ये मैं ये नहीं देखता कि मेरे सीन कहाँ है और वो क्या है और पढ़ते वक्त वो मुझे इंगेज कर रही है या नहीं तो मैं वो उस हिसाब से स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ यहाँ पे ना टिके रहना बहुत जरूरी है बहुत मज़ा आने लगा मुझे लिखने में और वो कब मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला सबसे पहले आपको खुद को खुश करना बहुत जरूरी है कि आप जो भी लिख रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं वो आप खुद इंजॉय कर रहे हैं या नहीं फील करना बहुत जरूरी है बस अगर आप वो फील कर रहे हो उस मोमेंट को तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप वो तो जो ऑर्गेनिक वाला वर्ड है ऑर्गेनिकली फिर फ्लो होती हैं नॉट टेकिंग अ रिस्क इज़ द रिस्कीस्ट थिंग टू डू शारिफ हाशमी को मैं तब से जानता हूँ जब से मैंने इस इंडस्ट्री में एंट्री किया था एज एन इंटर्न तब वो राइटर थे बाद में एक्टर बने बाद में उनके करियर में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हुए मैंने सब दूरी से देखा है आज मैं उनसे बात करने वाला हूँ इन सारे चीजों के बारे में ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज डेल्ट विद इट और आप इसमें से क्या इंसेट ले सकते हैं But before we go there, to make sure that you hit subscribe and smash the bell icon, I'm going into my conversation with शारी भाष्मी। मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे चालू करूं। तो for context, जब मैं intern मिलकर M.T.I आया था, एक हँसते हुए आदमी ने मुझे बोला था। क्या बोला था आप ही बोलो इसको लगा डाला तो लाइफ डुगी डाला <laughs> <laughs> जब भी मैं आपका कोई भी रोल देखता हूँ कोई भी शो कोई भी मूवी में देखता हूँ ना मुझे वो याद आता है कि मैं जानता हूँ आपको तब से जब से आपने मुझे एक बार बोला था कि यार ये सब मैं कर रहा हूँ पर करना तो कुछ बहुत कुछ और है और अभी अगर फ्लैश में जाएंगे तो ये ड्रीम कब से था यार ये ड्रीम जो था ना था तो बचपन से जब मैं छोटा था तो मैं मतलब चाहता था कि यार बड़ा हो गया और बचपन में तो एक्टिंग वैक्टिंग नहीं पता होती ना बड़ा हो के हीरो बनना है वो था दिमाग में कि जब मैं बड़ा हुआ तो उतना बड़ा हुआ नहीं <laughs> <laughs> खाली पाँच चार पे रुक गया <laughs> तो मेरे को लगा कि यार अपनी ना पर्सनैलिटी है ना कुछ है तो कुछ होगा नहीं तो मैंने मतलब आई कम्प्लीटली गेव अप ऑन माई ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्टर और हीरो और वो सब मैंने बोला यार ये कुछ होगा नहीं और क्योंकि मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे तो मैंने काफ़ी एक्टर्स को मैं मतलब मिलना करता था फिल्म पार्टीज़ में जाता था उनके साथ तो सब एक एक हाइट के थे <laughs> और मैं उनसे बहुत छोटा था मैं एक बार असरानी साहब को देखा मैंने बोला यार ये भी मेरे से लंबे हैं <laughs> तो तो मैंने मैंने सोचा था कि नहीं करेंगे फिर देन आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फिर लिखना शुरू किया फिर एम ज्वाइन किया तो वो और तब भी मैंने सोच दिया सोच लिया था कि एक्टिंग एक्टिंग कुछ नहीं होगी अब तो शादी भी हो गई बच्चा भी हो गया तो वो दिमाग से पूरी तरह से निकल गया था बट एम में धीरे धीरे उन्होंने मुझसे एक्टिंग करवानी शुरू की कितना एक्टिंग करवाया हाँ हा, बकरा किया तो वो धीरे धीरे कीड़ा जो है फिर से वापस आ गया <laughs> और ऐसे 2008 एंड था जब मैंने डिसाइड किया कि मतलब मुझे एक्टिंग को जो है ना पूरी तरह से मतलब आई वॉन्ट आई शुड गिव इट अ लाइक प्रॉपर शॉट और वरना मतलब ज़िंदगी में ये वो नहीं रहना चाहिए कि यार सारा कोशिश भी नहीं की तो तब नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के 2009 से मतलब मैंने शुरू किया मेरे को वो टाइम भी याद है क्योंकि मुझे लगता है उसी टाइम पे आ, मैं आपको मिला था और ये डिस्कशन हुआ था हाँ हाँ और आपने बोला था कि नौकरी है स्टेबल हूँ बट ये चांस अभी नहीं लिया तो क्या पॉइंट बट टफ था वो डिसीजन लेना उस पॉइंट पर टफ तो मतलब बाप रे डिसीजन लेना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि शादी हो चुकी थी बच्चा हो चुका था उसके बाद में और एक अच्छी खासी नौकरी है उस वक्त मैं इमेजिन शो एक बॉलीवुड चैनल था वहाँ पे मैं क्रिएटिव हेड था तो अच्छी पगार भी थी <laughs> पास में था, में था ऑफिस कोई याद तब मिला हाँ। मैं आपको हाँ। तो मैं सोच रहा था कि यार मतलब सबको जब बताया मैंने शेयर किया कि मुझे ये करना है तो सब एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट दिस डिसीजन सब ने मना किया फैमिली में लोगों ने दोस्तों ने कि यार पागल हो गया क्या तू तो, अच्छा खासा चल रहा है वो भी एक्टिंग मतलब विच इज़ सच एन इनप्रेडिक्टेबल अनप्रडिक्टेबल प्रोफेशन तो लेकिन मैंने बोला यार अब दिमाग में घुस गया पता नहीं कुछ तो और द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी वॉज माई वाइफ नसरीन और uh, दो दोस्त थे नितिन कक्कर और कौशिक बगानी ये दोनों मतलब बहुत हमारे एम टी वी का दोस्त तो उन्होंने मुझे बहुत वो किया इनक्रेज किया और फिर ले डाला लेकिन उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा मुसीबतें आईं क्योंकि डिसीजन तो ले लिया था बट उसके बाद जब ऑडिशन करने शुरू हुए और रिजेक्शन्स मिलने लगे और मतलब दिन में चार ऑडिशंस दे रहा हूँ चारों में मना सब नो 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 और उस वक्त तो ये भी होता था कि दरवाज़ा खोल के पूछो फिट नॉट फिट बोलता था नॉट फिट तो वो सब मतलब डोर स्लैम्स वो सब एक्सपीरियंस किया पैसे भी ख़त्म होने लगे तो मतलब पैसे तो ख़त्म हो गए कर्जे भी चढ़ गए ऊपर से <laughs> तो बहुत बहुत डिफिकल्ट था यार वो टाइम मतलब मैं जब सोचता हूँ अभी कि यार मतलब इनफैक्ट एक पॉइंट पे मैंने मेरी वाइफ को भी बोला था जब तीन साल हो गए थे कि कुछ हो नहीं रहा यार तो मैंने बोला यार ये जो डिसीजन लिया है मैंने ये सब तुम लोगों की भी बैंड बज गई है सब ये मैंने सही किया क्या <laughs> तो उसने बोली यार आज तूने ये बात बोली है इसके बाद कभी इसको रिपीट मत करना क्योंकि जो टाइम हम अभी देख रहे हैं उसमें मतलब तुम्हारे साथ में हमने भी सैक्रीफाइजेज़ किए हैं तो अगर इफ़ यूल से कि यार मैंने गलत किया तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा वो वो सारा टाइम जो है वो एटलीस्ट इसका सुकून होना चाहिए कि हाँ तुमने कोशिश की और कभी ज़िंदगी में कम से कम ये तो मलाल नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं की <laughs> तो वो उसके बाद में मैंने फिर बोला कि यार नहीं अब तो ये करना, बढ़ा और इसी इसके अलावा और कुछ आता नहीं है और फिर लग गए काम पर फिर मुझे अभी भी याद है मैं जब भी आपको मिलता था ना थ्रू दिस पीरियड एक चीज़ आपका हमेशा गया और हर कोई बोलेगा कि शारीफ से मिले हो तो शारीफ की हंसी एक से एक बार मिल लेते हो तो प्रॉब्लम्स ही थे ये पीरियड भी चल रहा था बट आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे देते से दे थे? मैं मेरे पास एक तो दो वजह थी काफ़ी एक तो मेरे मैं थोड़ा सा अंदर से हूँ पॉजिटिव इंसान काफ़ी और चीज़ों को मतलब पॉजिटिवली लेने की कोशिश करता हूँ कि हाँ इसका कुछ अच्छा होगा या इसका कुछ आगे कुछ चीज़ें अच्छी निकलेंगी दूसरा जो जो मुझको मतलब बनाए रखता था वो मेरा मतलब माई लव फॉर एक्टिंग क्योंकि मैंने अपनी नौकरी छोड़ी सब छोड़ा जो भी मेरे कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकला और लाले पड़ गए पैसों के लेकिन फिर भी मुझे जब मैं ऑडिशन पर जाता था ना तो मैं मतलब ऐसे जाता था कि आज मैं एक शूट करने जा रहा हूँ तो मैं आई मैं आई वुड इन्जॉय ऑडिशनिंग क्योंकि वो एक तरीके से एक्टर्स का रियाज होता है तो मैं तो वो ऑडिशनिंग के प्रोसेस में ही ऐसा लगता था कि हाँ मैं अभी एक्टर बन गया हूँ मतलब काम चालू है तो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत हौसला दिया और आसपास जो लोग थे वो काफ़ी इंकरेजिंग थे फैमिली अगर पहले ही मना कर देती तो मैं कभी ये डिसीजन लेता ही नहीं ना मैं ये करियर चुन चुनता लेकिन फैमिली ने बहुत वाइफ ने स्पेशली बहुत सपोर्ट किया मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया और तो उस वजह से वो जो टाइम था बुरा टाइम उससे मैं मतलब उसको मैं उसमें मैं सरवाइव कर पाया और एक और रहता ना कि ऐसे पीरियड्स में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एक अपने खुद के प्रोसेस के बारे में कि आपका आप, ऑडिशन चल रहा है ये सब चल रहा है पर आप ये भी सीख रहे हो कि एज एन एक्टर ये पीरियड में आपने क्या सीखा अपने बारे में अपने बारे में मैंने ये सीखा कि मुझ में मतलब पेशेंस बहुत ज़बरदस्त है सबर जो है मेरे में पेशेंस पर हमेशा से था कि नहीं हमेशा नहीं था उतना मैं तो बहुत ही तड़फड़ी टाइप <laughs> का बंदा था एकदम वो पेशेंस जो है ना धीरे धीरे आया वो पर, मतलब परसिवरेंस पेशेंस और एक डिटर्मिनेशन था कि यार साला प, मतलब मुझे एक और ख़ुद पे भरोसा था वो एक चीज़ थी मैंने एक एक बार कमल हासन साहब का इंटरव्यू देखा था तो उसमें उन्होंने पूछा था कि उन्होंने बोला था कि आई एम माई बिगेस्ट फैन क्योंकि पहली बार मैं ही था जिसने आईने में देख के मतलब बोला था कि यार इस बंदे में कुछ बात है <laughs> तो वो खुद पे भरोसा अगर नहीं होगा तो आप आगे खुद कुछ नहीं कर दूसरा आपके ऊपर भरोसा कैसे अगर अगर आपको ही खुद पे भरोसा नहीं है तो वो मुझ में था कि यार सोना और लेटर मतलब थिंग्स विल चेंज एंड मतलब uh, वो सबर का फल मिलेगा जरूर तो पहला शिफ्ट कौन सा था जब फाइनली लगा कि नहीं ये सबसे पहला जो मुझे एक बड़ा ब्रेक था वो था जब तक है जान क्योंकि बहुत सारे ऑडिशन दे।, दे रहा था और उसके बाद तीन साल तक जब मैं ऑडिशन देता रहा कुछ नहीं हुआ घर बिक गया सब कुछ बिक गया उसके बाद में मतलब आई हैड टू टेक अप अ जॉब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मुझे उठानी ही थी तो मैंने यू टी वी बिंदास में ज्वाइन किया एज ए बी पी प्रोग्रामिंग वहाँ पे तीन महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा का फ़ोन आया वाई आर एफ़ से जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं बहुत बड़ी और वाई आर एफ़ की कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उस तीन साल में मैंने पता नहीं पचास तरीक़ों से उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी कि, कि किसी तरीके से बात हो जाए बट वो कभी नहीं हो पाया और एक दिन उनका फ़ोन मुझे आता है तो मैं तो हिल गया मैंने फ़ोन भी मेरे हाथ से छूट गया था कि शानू शर्मा फ़ोन कर रही है फिर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म मेरी देखी थी मेहरूनी जो उन तीन साल में मैंने की थी आ, वो YouTube पर उन्होंने वो फिल्म देखी उन्हें पसंद आई वो फिल्म और मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया और काफ़ी राउंड्स ऑफ हुए शुरू में तो मुझे रब, रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उसके सीन्स दिए गए फिर उसके बाद में मुझे जैन जो कैरेक्टर मैंने किया है उसके सीन्स करवाए तो ऐसे कर कर के चीज़ें हुई और फाइनली मतलब मैं सेलेक्ट हुआ उसी दौरान हम फिल्मिस्तान पे काम कर रहे थे नितिन कक्कर और मैं हम लिख रहे थे और नितिन कक्कर को भी एक प्रोड्यूसर मिल गए तो ही मेड मी ऑडिशन फॉर द मेन लीड मतलब बे तो पागल हो गया क्या <laughs> मतलब पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है उसके अंदर मतलब मुझको तो बट वही उसको कुछ था मेरे पे फेथ पता नहीं और मैंने ऑडिशन दिया वो भी लोगों को मतलब प्रोड्यूसर्स को भी पसंद आ गया एंड सब एवरीबडी गेव अ ग्रीन सिग्नल और फिर मैंने नौकरी फिर से छोड़ी और उसके बाद से दोबारा नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जब तक ये जान जब रिलीज़ हुई तो मुझे अप्रिसिएशन मिला था बट वो आ, क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा काम में ट्रांसलेट नहीं हुआ था कुछ सीरियल्स के ऑफर आए थे बट जब फिल्मिस्तान आई फिल्मिस्तान वॉज़ माई फर्स्ट शिफ्ट क्योंकि Uh, उस फिल्म उस फिल्म के अंदर मुझको इग्नोर आप नहीं कर सकते <laughs> 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 तो फिल्मिस्तान जब रिलीज़ हुई और मतलब मैं जब रिलीज हुई थी तो उसे नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट हिंदी फिल्म का और मैं सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ था आई आल्सो वन स्क्रीन स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल मैं फ़िल्म फेयर में नॉमिनेट हुआ था आइफा में नॉमिनेट हुआ था तो वो उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया और इंडस्ट्री ने फिल्म देखी पूरी तो वो एक उससे जो लोगों का नज़रिया बदला था वो पहला पहला क्या कहेंगे पढ़ाओ <laughs> पहला पढ़ाओ पार कर गए आप <laughs> तो वो वाला मोमेंट था और उसके बाद फिर से सडनली मुझे लगा कि यार जब फिल्मिस्तान आ गई कि भाई अपन तो आई एवरइव्ड हो गया अपना काम अभी तो मतलब नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी यू नो केक वॉकअप तो हो गया सब कुछ बट uh, फिल्मिस्तान के बाद में फिर से मतलब आई सॉ अ वेरी डल फेज़ इन माई करियर क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में की मैंने जो रिलीज़ नहीं हो पाई और कुछ बीच में ही अटक गई कुछ बहुत अच्छी फिल्में थी uh, एक निखिल अडवाणी साहब के साथ में मैं एक टेली फिल्म कर रहा था जिसमें आई वाज प्लेइंग द मेन लीड वो फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई एक और अच्छी फिल्म थी मनोज सर के साथ में मैं कर रहा था वो भी uh, शुरू होने से पहले बंद हो गई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और टाइम गुजरता जा रहा था साल दो साल तीन साल निकल गए और कोई एक इंडिपेंडेंट फिल्म आई फुल्लू किसी ने देखी भी नहीं तो फिर से वापस से मतलब फिर पैसों की वो और फिर से मारा मारी फिर से ऑडिशन पे जाना पड़ रहा है तो मैंने बोला ये क्या हो गया यार ये ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था और वो टाइम जो पिछले टाइम का जो स्ट्रगल था उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि कुछ एक हाई देख चुके हैं हाँ मैंने एक अपने लेवल का छोटा सा हाई देखा था फिल्मिस्तान के वक्त और उसके बाद जब वो आया डाउन तो वो मुझे उसने मुझे थोड़ा शैटर किया था बट मतलब ऐसा हो गया था एक पॉइंट पे कि मतलब किसी एक अच्छी फिल्म के लिए अगर कोई कॉल भी आता था ना तो मैं रो देता था कि यार ये इतना अच्छा है ना ये होने नहीं वाला है <laughs> तो वो आ, उस दौरान मतलब मैंने किसी तरीके से मतलब ख़ुद को मतलब बटोर के रखा समेट के रखा कि यार ये टाइम भी निकलेगा ये भी निकल जाएगा एंड फिर एक फिल्म का एक सीरीज़ का ऑडिशन आया मुझे फैमिली मैन और मैं गया ऑडिशन पे और पहले उन्होंने बोला कि ये कोई बंगाली कैरेक्टर है घोष तो उसके लिए मतलब वो करना है और थोड़ा सा कहानी का जिस्ट बताया और कैरेक्टर बताया तो मैंने बोला यार मुझे थोड़ा आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर वो आई वो बंगाली एक्सेंट मुझे थोड़ा करना पड़ेगा तो बोला नहीं नहीं अभी फ़िलहाल सिर्फ एक न्यूट्रल वो कर दो उसके बाद में फिर देखेंगे मैं आई गेव ऑडिशन और uh, मुझे मतलब एक अच्छे ऑडिशन के बाद में लगता है ना कि यार आज कुछ कड़ा फील आया, आया।, आया कुछ फील आया मतलब मस्त वाला तो मुझे एक बहुत तगड़ा इंट्यूशन था यार कि अगर यार, यार ये चीज़ अगर हो गई ना तो शायद चीज़ें मतलब ना कुछ बदलेंगी या कुछ तो अच्छा होगा लाइफ में और एक अच्छे ऑडिशन के बाद में आप बार बार अपना फ़ोन देखते हो फिर कि अभी कॉल आएगा अभी कॉल आएगा अभी बट वो दिन गुज़रते गए चार पाँच दिन हफ्ता दस दिन गुजर गया बट कोई फ़ोन नहीं आया फिर एक दिन डीके के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया मैं फिर डी से जाकर मिला और उन्होंने कहा कि यार आ, जैसा हमने कैरेक्टर लिखा था मतलब तो तुमने वैसे तो नहीं किया लेकिन जैसा तुमने किया वो हमको अच्छा लगा <laughs> और एंड वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट यू टू यू नो पुट ऑन अ फेक बंगाली एक्सेंट और बिकॉज यू डोंट इवन लुक लाइक अ बंगाली तो बोला किस रीजन में फिट कर सकते हैं तुमको तो मैंने बोला मैं पंजाबी वंजाबी कुछ कर लूँ बोला पंजाबी बहुत बार हो गया कुछ और मैंने तो बोला मैं बॉम्बे का पला बढ़ाऊँ मराठी भी बोल लेता हूँ समझ भी लेता हूँ थोड़ी तो फिर वो उन्होंने बोला ठीक है तो ये थोड़ा एक फ्रेश चीज़ है तो फिर वो घोष जो है उसको फिर जे के तडपदे बना दिया और वह वैसे फिर फैमिली मैन लाइफ में आई और उसके बाद से मतलब माशाल्लाह थिंग्स हैव बीन रियली गुड एंड मतलब मैं आई कान्ट थैंक डी के इनफ एंड मुकेश छाबरा इनफ बिकॉज उन्होंने मुझे उस इतने प्यारे से कैरेक्टर में मुझे देखा और मतलब मुझ पर भरोसा किया जे के लिए क्योंकि उसके बाद थिंग्स चेंज फॉर मी जब आप एक कैरेक्टर का बोल रहे थे ना में, जब मैंने वो कैरेक्टर देखा था और मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ मुझे लगा था ये तो कैरेक्टर तो शारिफ खुद ही कर <laughs> <laughs> ये तो कोई है नहीं कैरेक्टर दिया गया है तो एटलीस्ट मेरा मेरा जो इंटुएशन था वो तो करेक्ट निकला बट एक्चुअली एक और चीज़ है ना और मैंने हमेशा आपका आपको देखा है कि आपने अब मैंने साथ में एम टी बकरा किया है बैक इन द डे हम आपने मैंने चैनल में काम किया है जो भी प्रोजेक्ट हो आपका एक चीज़ है कि यू विल एड समथिंग ऑफ योर सेल्फ टू इट कि एक खुद का कुछ तो स्पूडेंट दैट तो आपका एज एन एक्टर प्रोसेस क्या है मेरा एज एन एक्टर यार कोई प्रोसेस ही नहीं है आई डोंट हैव अ फिक्स्ड प्रोसेस क्योंकि एक प्रोसेस होगा तो मेरे ख्याल से फिर सारा काम एक जैसा ही लगेगा ऐसा मुझे लगता है और जो जो स्क्रिप्ट है और जो डायरेक्टर हैं ये दो चीज़ें हैं जो मेरे मतलब पिलर्स होते हैं मतलब कोई भी कैरेक्टर करने के लिए या अप्रोच करने के लिए मेरा अप्रोच वो तय करते हैं जो स्क्रिप्ट है और जो डायरेक्टर है मैं अपना अप्रोच नहीं बनाता कि मुझे ना ऐसे करना है यार इस कैरेक्टर में ना मैं ये करूँगा और वो करूँगा और इसके पीछे की बैक स्टोरी बनाता हूँ कैरेक्टर स्केच कि बचपन में मैं ये खाया करता था दोपहर में मैं ये नाश्ता करता था या लंच करता था और एक ज़माने में, में मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं वो पूरा कैरेक्टर स्केच में बना नहीं पाता मतलब काफ़ी लोग वो चीज़ करते हैं और वो उनके लिए वर्क करता है बट मुझे क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रेंड एक्टर मुझे पता नहीं कैसे क्या मेथड्स होते हैं क्या होता है क्या है दोस्तों की या ग्रोटॉस की वो सब क्या है मुझे पता नहीं वो सब कमाल और बड़े लोग हैं और बहुत कुछ एक्टिंग के बारे में जो सारी किताबें हैं उनकी लोग रट रट के पढ़ पढ़ के वो करते हैं मुझे मुझे पता नहीं है प्रॉब्लम <laughs> ये और मेरी जो छोटी वो छोटी मोटी जो भी सोच समझ है मैं स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ बहुत बहुत बार पढ़ता हूँ बहुत बार पढ़ता हूँ डायरेक्टर के साथ बैठता हूँ वो क्या चाहते हैं और कैरेक्टर क्योंकि आपके जो सवाल है ना जो आप सोच रहे हैं अपने कैरेक्टर के बारे में वो एक अच्छी स्क्रिप्ट के अंदर अपने आप आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब स्क्रिप्ट के अंदर ही हैं आपको अलग से कुछ टेक्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है और साथ में मैं मतलब ऑन द जॉब सीखता जा रहा था बस वही कर रहा मतलब अभी भी सीख रहा हूँ साथ में मेरे डायरेक्टर्स जो हैं मेरे एक्को एक्टर्स हैं वो मेरे टीचर्स हैं मतलब मैं उनसे रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और थैंकफुली मुझे बहुत अच्छे मेकर्स के साथ बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिला है तो उनसे जो जो मैं एम्बाइब कर सकता हूँ वो करने करने की कोशिश करता हूँ और उसी के अंदर कुछ अपना भी क्योंकि आपकी अपनी पर्सनालिटी तो उस चीज़ में आ ही जाएगी और आनी चाहिए भी मेरे ख्याल से क्योंकि अगर आपको कास्ट किया है तो इसीलिए कास्ट किया है क्योंकि वो मतलब हम उसमें कुछ ना कुछ उन अपनी जो इनर पर्सनैलिटी है वो उनको नज़र आ रही है उस कैरेक्टर में तो मुझे लगता है कि फिर उसको पूरी तरह से कट डाउन नहीं करना चाहिए मैं पैकअप के बाद में वो कैरेक्टर घर पे नहीं लेके जाता हूँ कि मैं अभी भी मतलब फिर वही बंदूक लेके बैठा हूँ घर पे तो वो मेरा अप्रोच नहीं है मैं जब पैकअप होता है तो मैं फिर से शारिक हाशमी बन जाता हूँ <laughs> और और ये पता नहीं आ, आगे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसके लिए ज़रूरत होगी कि वो ये अप्रोच लेना पड़ेगा तो तब देखेंगे लेकिन फ़िलहाल जो मैंने किरदार किए हैं <coughs> तो उनमें इतनी ख़तरनाक एक्सटेंसिव रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या मतलब ऐसे कि कुछ पता नहीं क्या कर डालूँ वैसा <laughs> कुछ अभी तक आया नहीं है और हाँ कोई अप्रोच किया कोई कोई प्रोसेस नहीं है यार मेरा ऑर्गेनिकली <laughs> निकल जो भी हाँ, है ऑर्गेनिक बिकॉज <laughs> वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना क्योंकि सब सबके अपने अपने तरीके हुँ. होते हैं और आपका हमेशा एक एक नेचुरल आप फ्लो में घुस जाते हो आई वॉल एट बिकॉज यू आर ऑल्सो अ राइटर मेरे को लगता है कभी को लगता है कि शारीफ एक राइटर की एक राइटर के दिमाग से सोच रहे हैं इसलिए निकला था ऐसे राइटर होना मेरे लिए बहुत हेल्प किया है मेरे एक्टिंग प्रोफेशन में क्योंकि आ, उससे शायद आ, उसने हर कदम पे मुझे हेल्प किया है इनफैक्ट मतलब जब मैं जो मैं कुछ चीज चीज़ चुनता हूँ क्योंकि जब मैं कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो आई रीड इट एज़ एन ऑडियंस मुझे ये मैं ये नहीं देखता कि मेरे सीन कहाँ हैं और वो क्या है और मैं वो पढ़ते वक्त वो मुझे इंगेज कर रही है या नहीं तो मैं वो उस हिसाब से स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और उस कहानी में मेरा जो किरदार है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर आप एक मतलब यू you नो know, एक, एक सिनापसिस बोलेंगे चार लाइन का तो उसमें मेरा मेरे किरदार का जिक्र है या नहीं मतलब अगर नहीं है यानी कि मतलब वो इट्स नॉट नॉट इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट तो फिर यानी कि वो मैं फिर वो मैं नहीं करता तो उस और वही मेरा तरीका है और तो उस हिसाब से मुझे राइटर होना मुझे बहुत हेल्प किया कुछ है, कुछ है कुछ लाइनें अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ करनी होती हैं कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ अगर मुझे लगता है कि यार इसमें ऐसा कुछ हो सकता है तो डायरेक्टर के साथ में बैठ के थोड़ा डिस्कशन करते हैं और अगर उनको चीज़ जमती है तो फिर वी गो अहेड विद दैट अदरवाइज़ तो मतलब ये मीडियम ही डायरेक्टर साहब का है तो उन्हीं का विजन एक ही विजन होना चाहिए जिसको सब कलेक्टिवली उसको क्या कहते हैं उस विजन को मतलब पूरा करने के लिए पूरी तरह जुट जाना चाहिए मेरा ये क्वेश्चन इसलिए भी था बिकॉज सिर्फ विक्रम वेदा जब मैंने देखा था सर okay. ये पहली बार मैं शारफ़ को ऐसे रोल में देख रहा हूँ जिसमें नेचुरली ये शारीफ नहीं है ये नेचुरली थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुआ ओके okay, एक कैरेक्टर में बियॉन्ड आपका पर्सनैलिटी से निकला हुआ है तो उसमें थोड़ा और करना पड़ा था ये देखो अब मैंने मैं, मैंने तो की मैं, मैं वैसे बहुत हार्ड वर्किंग हूँ मैं <laughs> बोल रहा हूँ मेरा प्रोसेस नहीं है नहीं, नहीं, नहीं ऑन रिकॉर्ड हाँ हार्डवर्किंग बहुत हार्ड वर्किंग हार्डवर्किंग बहुत मेहनत करता हूँ <laughs> और इनफैक्ट जब विक्रम वेदा मैंने मैंने ओरिजिनल देखी थी और जब मुझे बोला कि इस रोल के लिए मुझे वो कंसिडर कर रहे हैं तो मैं तो बहुत हो गया था यार बहुत एक्साइटेड हो गया था बट जो डायरेक्टर्स हैं पुष्कर गायत्री बहुत ही कमाल के फिल्म मेकर्स हैं पहले पति पत्नी हैं जिनको मैंने देखा है जो सेम पेज पे रहते हैं हमेशा <laughs> तो तो वो दोनों थोड़े वो थे रिलकटेंट थे कि यार ये बंदा बड़ा स्वीट लगता है ये इस कैरेक्टर में मतलब मतलब वी नॉट एबल टू सी हिम इन दैट कैरेक्टर फिर आ, मैंने ऑडिशन भेजा एक अपना तो वो ऑडिशन देख के उन्होंने बोला ये तो बहुत कमीना भी है <laughs> <laughs> तो, तो फिर इस, उसके बाद फिर शूट शुरू हुआ फिर हमने बहुत मैंने उसके लिए थोड़ी मेहनत की थी बहुत थोड़ी नहीं मतलब आ, क्या कहते हैं उसको क्योंकि ये किरदार ऐसा था जो मैंने कभी किया और वो किरदार वो कैरेक्टर शिफ्ट भी होता है हाँ। उस मूवी में अच्छा इंटरेस्टिंग था कि हर एक कैरेक्टर का एक शिफ्ट होता है थ्रू द मूवी और आपका भी पूरा एक शिफ्ट था कि मतलब लगता नहीं है कि इतना शिफ्ट होगा बट वो हो जाता है कैरेक्टर वो वो मतलब बहुत कमाल का कैरेक्टर था और एक और आ, मेरी फिल्म आ रही है अफवाह जो उसमें जो मेरा रोल है वो थोड़ा और विक्रम वेदा से भी थोड़ा और मतलब अलग है और थोड़ा मतलब ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं है ऐसा किरदार और उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी एक तो सुधीर मिश्रा सर डायरेक्टर हैं वो उस फिल्म के और मतलब मैं तो मतलब क्या कहेंगे उसको मज़ा ही आ गया एक अलग किस्म का मज़ा आया उनके साथ काम करके और जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि अलग किरदार होता है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है या कुछ कम्फर्ट जोन के बाहर होता है मुझे लगता है कि मेहनत तो मैं हर फिल्म में उतनी ही करता हूँ लेकिन आ, स्क्रिप्ट है जो किरदार है वो तो ऑन टेक्स्ट टेक्स्ट पे ही आपको पता चलेगा न कि वो अलग है या मतलब सेम है करेक्ट तो एक बार एक नसीर साहब का मैंने इंटरव्यू देखा था उन्होंने बोला था कि एन एक्टर इज़ एज गुड एज द काइंड ऑफ रोल्स ही सेलेक्ट्स तो जो अगर आप एक ही किस्म का किरदार करते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर उसमें वो सारी से सब सब सिमिलर ही लगेगा लेकिन आप किरदार ही अलग चुनेंगे तो वो सेटिंग ही अलग है वो पूरा माहौल अलग है लोग अलग हैं और आपका कैरेक्टर जो है वो इसमें हंसी नहीं रहा है तो इसके लिए आप ऐसे नहीं कि आप अलग से कुछ एक्स्ट्रा कुछ वो करें वो कहानी आपको अलग करने का करने को मजबूर कर रही है <laughs> तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग चीज़ें करूँ और अभी जो आने वाली कुछ चीज़ें वो बहुत ही डिफरेंट बहुत ही डिफरेंट जानराज हैं बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं स्टार्टिंग विद अफवा <laughs> तो मैं मुझे लगता है कि अलग अलग और मैं बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ कि मुझे मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे ये कॉप वाले रोल्स ही मिलेंगे लेकिन वो तो आते हैं बहुत सारे लेकिन मैं उनको ज़्यादातर मना करता हूँ एक्चुअली मैं आपको हमेशा से पूछना चाहता था जब मैं आपको मिला था आपका प्राइमरी फोकस ह्यूमर पे था और एक आपका एक टाइमिंग है एक और मैंने एक्चुअली आपसे सीखा था जब मैं इं इंटर्न था एमटीवी में बिकॉज कॉमेडी देखने में मजा आता है बट आप किसी को देख रहे हो जो लिख रहे हैं ह्यूमर और मैं आपको देखता था मैं देखता था कि हाँ, अपना दोनों सैरिस ब्रोचा हो या साहूकार हो कि वो स्क्रिप्ट को लेके कैसे उसको मतलब जितना भी स्लैप स्टिकर है जो भी करते हैं मतलब लो हम लोग तो कुछ भी करते थे उस टाइम पे बट उसका एक फ्लो होता है और वो फ्लो समझना ह्यूमर के हिसाब से काफ़ी टफ होता है अगर कोई बाहर आए उसका कुछ अगर आज कोई आपको पूछे कि मैं आप ह्यूमर का फ्लो कैसे सीखूँ आप तो क्या बोलोगे बाप रे यार मैं आई एम अ वेरी बैड टीचर मुझे तो अच्छा सिखाया था <laughs> मुझे मैं आ, क्योंकि ना मेरी किसी चीज़ में ट्रेनिंग नहीं रही है ना मैंने आ, मतलब तो आपको आप, आपका फ्लो नेचुरली लिखने के टाइम पे आ गया हाँ इनफैक्ट राइटिंग भी मैं कर सकता हूँ ये भी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि वो भी ऐसे हुआ था कि राजुल मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे तो वो उस वक्त सूरज बड़जातिया जी को असिस्ट कर रहे थे और उस उन्हें कुछ एक ऐसी एक फ्रीलांस असाइनमेंट कुछ मिला था डॉक्यूमेंट्री कोई था डिस्कवरी के लिए और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना था तो उसने उन्होंने मुझको बोला कि यार ये साथ में हेल्प करेगा क्या ज़रा ट्रांसलेशन में तेरी लैंग्वेज अच्छी है तो मैंने किया तो उसने बोला कि यार यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग मतलब ते को मतलब थोड़ा लिखना चाहिए उसकी मतलब यू शुड थिंक अबाउट इट एज अ प्रोफेशन तो मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था फिर हमारे कॉलेज में ही मेरे एक और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है रेंजी वर्किस हम दोनों उसको भी कुछ ई के लिए कुछ लिखने के तो मुझे रेंजी देखे। 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 वर्किस में ना हाँ एम टी व्यू में दो राइटर्स थे जब मैं था एक रेंजी दूसरा तो वो रेंजी तो हम कॉलेज के राजुल और रेंजी हम सब कॉलेज के दोस्त हैं तो रेंजी ने और मैंने फिर लिखना शुरू किया साथ में राजुल हम तीनों ने मिलके साथ में काफ़ी कुछ लिखा ई के लिए एम के लिए और ऐसे करके धीरे धीरे वो और मुझे इनफैक्ट रेंजी का ह्यूमर बहुत तगड़ा लगता है बहुत ही ज़बरदस्त लिखता है वो और राजुल ने मुझे मतलब सिखाया कि यार मतलब ऐसे मतलब इस तरीके से अप्रोच कर इस तरीके से वो कर हम जब कैरेक्टर्स बनाते थे तो मुझे इन लोगों ने काफ़ी मैं अब वो पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि क्या चीज़ थी जो लेकिन मैंने साथ में काम करते करते वो अपने आप एक इनहेरेंटली अपने आप वो डेवलप करता गया मैं और बहुत मज़ा आने लगा मुझे लिखने में और वो कब मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला सडनली मैं मतलब राइटर बन गया लोग बोलते थे शारिफ़ हाशमी राइटर है तो मुझे सुन के भी बड़ा अजीब लगता था कि मैं ये राइटर कब हो गया यार मुझे तो एक्टिंग करनी थी और वो एक्टिंग तो फिर पीछे ही छूट गई और इस तरीके से धीरे धीरे ये जो ह्यूमर ह्यूमर में लोग मुझे मतलब एकदम से वो करने लगे कि अगर ह्यूमर के लिए है तो वो शारिफ़ को बुलाओ तो मुझे बड़ा जबकि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऐसा कोई कमाल का भी ऐसा कुछ नहीं लिखता लेकिन आ, आ, हो गया वो पता नहीं कैसे <laughs> फिल्मिस्तान के डायलॉग्स मैंने जब लिखे थे तब मैंने बहुत इन्जॉय किया था उस प्रोसेस को नितिन के साथ मैंने जो भी लिखा है वो मैंने मतलब एकदम दिल की गहराइयों से मतलब एकदम हम लोगों ने चाहे वो ह्यूमर हो या इमोशंस हो या हर किस्म का जो भी जो भी सीन हो मैंने मतलब नितिन के साथ में बहुत कुछ काम किया है जैसे राम सिंह चार्ली जो हमने लिखी थी दोनों ने मिल और बुना हमने खुद प्रोड्यूस भी की थी अपने खुद की गाड़ी कमाई से तो वो वो फ़िल्म का जो प्रोसेस था वो एक अलग था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था उसने उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया था कि मैं सिर्फ ह्यूमर नहीं कर सकता हूँ मैं कुछ और चीज़ें भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ मैं इमोशंस में भी है कुछ कुछ चीज़ें जो मैं मतलब टच कर सकता हूँ तो वो मैंने तब रियलाइज किया था लेकिन जो तुम्हारे सवाल है वो तो यार कि ह्यूमर को कैसे अप्रोच किया जाए ये तो पता नहीं है कैसे तो मैं बोलता हूँ आपने मुझे क्या बताया था आपको याद होगा नहीं मुझे याद है <laughs> आपने मुझे बोला था कि तुम लिखो पहले और उस टाइम हम लोग वीजे के लिंक में वीजे के लिंक लिख रहा था क्योंकि आप लोग बिजी थे तो मुझे बोला गया तो तू तो इंटर है तो लिख सकता है क्या बोला हाँ लिख लूंगा कितना टफ होगा तो मैं वीजे का लिंक लिख रहा था और मजा नहीं आ रहा था किसी तो मैंने आपको पूछा था आपने बोला था कि तुम लिखो और फिर पढ़ो, पढ़ो एक बार <laughs> अगर तुमको खुद फ्लो अच्छा लग रहा है और वो पंच आ रहा है तो ठीक है अगर तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो वो मतलब तुमको यू हैव योर आंसर एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये ये तो सब ये सबसे पहला मतलब ये इसको मैं लेसन बोलूँ या क्या बोलूँ ये मंत्रा तो हर जगह पे पर बहुत लोग लिख है। लेते हैं ना और पढ़ते नहीं खुद का पढ़ते नहीं है क्योंकि जो भी चीज़ जैसे फिल्म भी आप बनाते हैं अगर कोई फिल्म मेकर है वो जब फिल्म बनाने के लिए जब शुरू करते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं ये ना इस नॉर्थ बेल्ट के लिए रखता हूँ ये ना एक साउथ के लिए एक पंच रखते हैं ये मुंबई वालों को मजा आएगा इसके अंदर ये मतलब अपर क्लास वालों के लिए ये एक जो मतलब फ्रंट बेंचर्स हैं उनके लिए कुछ एक मसाला डालते हैं तो वो जो सबको खुश करने की जब कोशिश करते हैं ना वो भेलपुरी जो बनती है वो भेलपुरी बन जाती है और वो दे एंड अप द एड अपी हाँ तो इस वजह से सबसे पहले आपको ख़ुद को खुश करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी लिख रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं वो आप ख़ुद इन्जॉय कर रहे हैं या नहीं अगर आप नहीं इंजॉय कर रहे हैं तो आपका जो वो है वो सामने वाले को भी वही रिफ़्लेक्ट होगा और सामने वाला भी इंजॉय नहीं करेगा तो सबसे पहले तो ख़ुद को वो चीज़ पसंद आना बहुत ज़रूरी है चाहे लिखो चाहे जो भी करो कुछ भी आप आर्ट फॉर्म या कुछ भी क्रिएटिव चीज़ है या कोई भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है जो आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो उससे कोई खुश नहीं होगा <laughs> एक क्वेश्चन मैं पूछना है आपको कि इतने सारे रोल्स के बीच में कोई ऐसा कोई एडवाइस था या किसी ने कुछ पॉइंट बोला था आपको जब जो अटक गया वो कि ये फॉलो करूँगा लाइफ में एक तो वो, मुझे किसी ने बोला था कि मतलब उस चीज़ में ना मतलब जस्ट बी इन द मोमेंट मुझे नितिन ने एक बार बोला था फिल्मिस्तान के वक्त में कि यू हैव टू बी इन द मोमेंट वहाँ पे क्योंकि कभी कभी और तब मैं जस्ट शुरू ही कर रहा था तो मैं बहुत इधर से उधर सतही तौर पे चीज़ें हो रही थी पहला दिन जब हम लोग कर रहे थे तो तब नितिन ने मुझे बिठा के समझाया था कि यार थोड़ा मतलब और जबकि वो ऐसे सीन्स थे जिसमें मैं सनी अरोरा जो है वो ऑडिशन दे रहा है मस्ती कर रहा है जो कि वो मैं हूँ ही वैसे वाले सीन्स थे और वो वही मुझसे नहीं हो पा रहे थे मुझसे मैं खुद ही नहीं प्ले कर पा रहा था तो दिमाग कई और था दिमाग कहीं और नहीं था मुझे मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कर तो रहा हूँ यार मैं मुझे वो चीज खुद भी फील नहीं हो पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जब मैंने फिर उसने मुझे कुछ मॉनिटर में कुछ टेक्स दिखा तो यार ये तो बहुत गंदा है <laughs> <laughs> फिर उसके बाद थोड़ा मैंने वो उस वक्त उस चीज उसके अंदर थोड़ा सा घुसा और क्या कहेंगे उसको फील हर चीज़ का वो यार फील करना बहुत ज़रूरी है बस अगर आप वो फ़ील कर रहे हो उस मोमेंट को तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप वो जो ऑर्गेनिक वाला वर्ड है ऑर्गेनिकली फिर फ्लो होती हैं तो यू हैव टू बी इन द मोमेंट वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है हर तरीके से अगे अगेन कोई भी मंत्र है लाइफ का वो सभी जगह लागू हो जाता है <laughs> कभी कभी इन यूर नॉट इन द मोमेंट एक ये भी हो जाता है ना कि आप सेफ ऑप्शन पकड़ लेते हो कि ठीक है मैं कुछ ये एक कीड़ा नहीं ट्राई करूंगा जो ये मैंने सीखा था जब पहले बॉम्बे आता था मतलब कि की, कीड़ा वाला बंदा है कि की, तो कीड़ा वाला बंदा नहीं है तो मेरे को कि वो ट्राई नहीं करोगे नहीं ठीक है सेफ ऑप्शन लेता हूँ ये नहीं ट्राई करूंगा वो नहीं करूंगा नहीं, एक, एक पर उससे एक्चुअली आप जो भी करो वो एक्चुअली राइट रिजल्ट निकलता नहीं है नहीं निकलता है आप अगर आप सेफ प्ले करना ही सबसे बड़ा अनसेफ चीज है नॉट टेकिंग अ रिस्क इज द मोस्ट मतलब इज़ द रिस्कीस्ट थिंग टू डू क्योंकि रिस्क लोगे नहीं तो आपको आप, आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ आपको नहीं पता चलेंगी आप कितना आगे जा सकते हो वो आपको पता नहीं चलेगा आपके अंदर ये चीज़ है या नहीं है वो भी आपको तब पता चलेगा जब आप वो कदम उठाओगे तो उसके लिए रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है मैं मुझे काफ़ी टाइम लगा था ये मतलब रियलाइज़ करने के लिए कि एक्टिंग ही मेरी कॉलिंग है लाइफ में मतलब मैं जब ऑलमोस्ट थर्टी थ्री हो गया था तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग करनी उसके पहले तो मैं वो सेल्फ डाउट जो है वो उसमें था बहुत टाइम तक हाइट को लेके मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और एक तो मेरा बचपन में मेरा एक दोस्त था जावेद तो वो इतना हैंडसम था तो मुझे लगता था कि यार <laughs> ये ये कुछ कर सकता है, मेरा कुछ नहीं <laughs> तो वो आ, आ, मुझे बड़ा वो था हाइट को लेके ना बहुत बहुत टाइम तक वो चला बहुत धीरे धीरे मैंने मुझे रियलाइज़ किया कि यार ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं कि ये सब मुझे अभी किसी ने पूछा भी था कि मतलब अगर मैं ऐसा दिखता हूँ तो क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ तो बोले यार अगर ये सब कोई चीज़ मायने नहीं रखती है ना हाइट मायने रखता है ना चेहरा मायने रखता है ना आपके कोई दाग मायने रखते हैं जब अगर आप को वो कितनी शिद्दत से वो चीज़ चाहिए आप कितने पैशनेट हैं उस काम के लिए सबसे ज़्यादा वही मायने रखता है और कोई चीज़ मैटर नहीं करती है आज के टाइम पे देखें तो एक्चुअली हाँ। वो ऑपर्चुनिटीज़ खुले हैं ना हाँ एक टाइम था जब ऑपर्चुनिटीज नहीं थे कि अगर आप देखोगे तो ठीक है टाइपकास्ट कर लो ना कि हाँ। ये जैसे आपने बोला था कि बड़ा के हीरो बनो हाँ। या तो हीरो बनोगे या साइड वाला कॉमेडियन का करेक्टर करेक्ट। या हीरो का दोस्त हीरोइन का भाई वही होते थे एक टाइम पे रेंज था। नहीं था अब आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज भी इतने हैं कि यू कैन प्ले सो मेनी डिफरेंट रोल्स ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई है जो ये ओ टी टी का एक जो मतलब प्लेटफॉर्म आया है और एक दूसरी नई नई एवेन्यूज़ मतलब ओपन हुई हैं ये सबसे बेस्ट टाइम है सारे क्रिएटिव लोगों के लिए चाहे वो राइटर हो डायरेक्टर हो जो नई बातें कहना चाहते हैं नई कहानियाँ बोलना चाहते हैं अलग अलग किरदार अलग अलग चेहरे अनकन्वेंशनल फेसेस लोग लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग नई कहानियाँ नए चेहरे वो एक्सेप्ट करें तो ये बेस्ट टाइम है हम एक्टर्स के लिए जैसे एक तो क्या फिल्म जो होती है वो दो से ढाई घंटे या चलो तीन घंटे की होगी अगर हिंदी फिल्म बहुत बड़ी वाली कोई फिल्म हो तो उसमें आपको सारे किरदारों को जस्टिफाई करने में या सबको एस्टैब्लिश करने का उतना वक्त नहीं होता है आपको एक मेन प्रोटेगनस्ट को लेकर चलना होता है और जो कुछ आस पास के जो थोड़े इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन ये जो ओ में आपको सात घंटे या आठ घंटे मिलते हैं उसमें मतलब यू गेट टाइम टू बिल्ड एक्सप्लोर अदर कैरेक्टर्स कैरेक्टरली जैसे जो ओ टी टी ना मेरे हिसाब से वो मुशायरा होता है मुशायरे में आपने कभी मुशायरा देखा है नहीं देखा मैंने अच्छा मुशायरे में क्या होता है कि हमेशा अगर मिर्जा गालिब में देखा <laughs> अभी गालिब है अभी मुशायरा करेक्ट, उसमें ना एक शायर के बारी आती है तो उसके आगे वो शमा रख देते हैं जलती हुई शमा रखते हैं और वो फिर उसका वो अपनी गज़लें नज़में शेर अशार सब वो कहता है जब उसका पूरा क्या है क्या सब हो जाता है सारी अपनी जितने तीर थे सारे उन्होंने चला दिए उसके बाद में वो शमा जो है वो दूसरे शायर के पास जाती है फिर वो उनके पास जो चीज़ें हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं वो अपने शेर सुनाते हैं अपनी गज़लें सुनाते हैं उनका ख़त्म होता है तो फिर वो शमा दूसरे के पास रखी जाती है तो इस तरीके से ओ में जो है ना वो क्षमा सबके सामने रखी जाती है और उसको अपनी सारी सुंदर दिखाने का मौका मिलता है और पूरी तरीके से मतलब एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है फिर वो परफॉर्म करके हो जाता है दूसरे के पास जाती है सबको मतलब अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाता है सबको अच्छे से परफॉर्म करने का मौका मिलता है सबको अपनी जगह मिलती है उसमें तो मुझे लगता है कि ये एक मस्त चीज़ है ओ की अब जब आप ऐसे बता रहे हो मैं फैमिली मैन के बारे में सोच रहा जब आप बात कर रहे थे एक्चुअली हर एक कैरेक्टर का मोमेंट आता है हाँ कि उसके चाहे वो बैक स्टोरी का हो चाहे एक एक मोमेंट जब आप पूरा कनेक्ट करते हो उसके साथ एक्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly, yeah. और वो एक्चुअली वो <laughs> पासिंग द <दे। laughs> वही है जैसे तिवारी हो या जेके हो या मुत्तू मुत्तू के कितने कमाल के मोमेंट्स हैं मिलिंद का जो कैरेक्टर था सनी हिंदुजा आ, राजी मतलब सब सूची मतलब जितने भी कैरेक्टर जिनके बेटे आए वो अथर्व और तृती जो बेटा बेटी हैं उनको उनके कितने कमाल के कैरेक्टर्स हैं तो वो इसीलिए हो पाता है मेरे ख्याल से क्योंकि आपके पास वक्त भी है और मतलब उस तरीके से वही क्षमा सबकी जगह पहुंचा दी जाती है आपका <laughs> एक क्वेश्चन पूछने था जो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था मेरे एक, एक, एक फ्लो में जब टाइम मिलेगा पूछूंगा जब आपका एक डाउन पीरियड था फिर वो अब हुआ फिर फिर से हुआ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप आप खुद को बोलते थे जिससे एक्चुअली आपने बोला नहीं ये ये जर्नी अभी आगे मतलब चलेगी और ये सेल्फ डाउट जो है ना उसको थोड़ा दबाने के लिए मैं उस वक्त यही बोलता था कि यार मैं बहुत भयंकर टैलेंटेड हूँ बस लोगों को थोड़ा ही टाइम है अभी समझने में ये वह बात है अपने में वो बस वहाँ पर पहुँचनी बाकी है और ये जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा और अपना अच्छा टाइम आएगा और अपना टाइम आएगा ये ये जो है ना <laughs> कि अपना टाइम आएगा यहाँ पे ना टिके रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप टिके रहो ना क्योंकि मैंने मेरे से दस गुना हज़ार गुना अच्छे एक्टर्स देखे हैं जो हार कर चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है बोलना आसान है कि टिके रहो लेकिन जब वो गुजर रही होती है ना तब सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं तो वो आ, उस वक्त जमे रहना ना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जो जम जाता है ना जो टिका रहता है उसका एक जुम्मा आता है <laughs> तो सबको अगर जो टिका रहता है तो उसको एक जुम्मा तो मिलता है और और पेशेंस भी काफ़ी चाहिए थे आप आपने बोला था आप पेशेंट तो नेचुरली हो नहीं मैं नहीं हूँ अब इस इंडस्ट्री ने बना दिया पेशेंट बना दिया मुझे मतलब बहुत सब्र तो मतलब अभी मेरे में इतना है कि <laughs> बता नहीं सकता एक तो आप हाँ, ए, जब आप शूट भी कर रहे हैं ना वो उस वक्त भी आपके सब्र का काफ़ी इम्तिहान लिया जाता है क्योंकि एट आ, क्या कहते हैं उसको एटी ऑफ एन एक्टर्स जॉब इज टू वेट इतने सारे शॉट्स होते हैं दिन में उसमें हर शॉट में आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप तो ये लाइटिंग वाइटिंग हो रही है ये हो रहा है चेंज हो रहा है तो आप वेट कर रहे हो तो वो वहाँ पर से आपका सब्र जो है ना तगड़ा होता जाता है <laughs> और मैं तो वो भी इंजॉय करने लगा लगाऊँ कि अच्छा अभी मैं अभी मुझे टाइम है ना ठीक है तो मैं थोड़ा सो जाता हूँ या कुछ देख लेता हूँ या कुछ पढ़ लेता हूँ तो मैं उस टाइम को भी आ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ या अगर दूसरे को एक्टर्स हैं जो अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ में बैठ के कुछ फिल्मों की बातें कुछ आ, मतलब आम जिंदगी की मतलब ऐसी नॉर्मल जिंदगी की बातें हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ ना मुझे एक अच्छा इंसान और एक क्या कहते हैं उसको मुझे कुछ कुछ एनरिच कर रहा है वो वो खाली वाला टाइम भी <laughs> अपने खाली वाला टाइम बोला तो शो का नाम टेक अप पॉज है तो जब आप पॉज लेते हो तो क्या करना पसंद करते हो जब मैं पॉज लेता हूँ तो मैं परिवार के साथ में मतलब टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ में मैं बहुत क्या कहे वो बड़ा ही एक टर्म है ना पीपल्स पर्सन वो तो <laughs> तो हाँ तो मुझे सब दोस्तों के साथ में मिलना महफिलें सजाना गाने वाने वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना बहुत पसंद है और गाने सुनना बहुत पसंद है गाना बहुत पसंद है आप गाते भी अच्छे हो हाँ तो मैं तो मैं मैंने बहुत सारे <laughs> शारेफ के बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं तक यूज़ नहीं हो चुके एक्सटेंड सब अभी वो एक चीज है ना जब बोला इतने सारे बोला आपके इतने सारे टैलेंट है जब हम लोग आपको देखते थे बहुत पहले से जो मैं एम टीवी का रेफरेंस लिए मेरे लिए वो इंडस्ट्री का बिगनिंग था जब मैं आया था एम मुझे मालूम नहीं था प्रोडक्शन क्या होता है प्रोड्यूसर क्या होता है मुझे मालूम नहीं था प्रोमोज क्या करता है शोज क्या करता है मेरे को बस यह था कि एम में काम करना है मेरे इंटर्नशिप मिल के घुस गया था फिर मैं शोज में घुसा था एंड आप सबसे मिला था फिर सोली करता क्या और जब मैं आपको देखता था एक पॉइंट पे आप बकरा में एक्ट कर रहे हो दूसरे एक थोड़े टाइम के बाद आप किसी और चीज़ का स्क्रिप्ट लिख रहे हो एक टाइम पर कुछ और कर रहे हो डबिंग पर डबिंग चल रहा था पर पर कभी ऐसा आपको नहीं देखा हो मैंने कि आप कुछ कर रहे हो और उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है और वो एक पॉइंट में हमेशा देखता था और और हम लोग सब इंटर्न बात करते थे कि कौन कैसा है बोलते थे ये खड़ूस है ये ये सब हुए पर आपके बारे में कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि शारीफ जो भी कर रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कर रहे हैं कर है करना है शारीफ कर रहा है कि मजा आ रहा है मुझे करते हुए ये नेचुरली ट्रेन नेचुरली है कि ट्रेंड है कि नहीं कुछ भी कर रहे हो तो मज़ा ये मेरे ख्याल ये मतलब शायद नेचुरल है ये मैं मैं ज़िंदगी को वैसे मतलब पूरी तरह से जीने में मतलब ये बिलीव करता हूँ और ख़ास कर आप जो काम कर रहे हैं वो तो आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है अगर वो उसमें अगर आप थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको अगर वो आप बेमन से करेंगे तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया फिर अगर उसमें आप जो भी आपको काम मिला है अगर आप वो चाहे आपको ये गाड़ी यहाँ से वहाँ लेकर जानी है वो भी अगर आपने सोचा कि यार ये तो है तो इतने रस्ते में मतलब कुछ मस्ती करते हुए जाते हैं तो वो आपका सफ़र भी आसान हो जाता है तो अगर आप वही खुशी और मज़ा ये दोनों अगर आपको अपने काम से नहीं आ रहा है तो फिर सामने वाले को भी नहीं आएगा तो वो ये तो मैं बचपन से ही शायद करता आ रहा हूँ और अल्लाह करे कि ये मेरे मतलब मैं ताउम्र करता रहूँ और जिस दिन मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आएगा तो ऐसा लगेगा कि यार जिंदगी रुक गई है या खत्म हो गई है तो वो कभी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से सर थैंक यू सो मच कि आप आए आप अरे मैं मैं तो चाहूँगा कि एक दो और एपिसोड कर लें <laughs> मुझे इतना अच्छा लग रहा है यार कि, क्योंकि हम एम में हम लोगों ने चैनल वी में इतना टाइम स्पेंड किया था और इतने मस्ती की हमने की थी और आज मतलब आपने इतना अच्छा खुद के लिए इतना मुकाम हासिल किया है और और आपने भी अरे तो मुझे बहुत खुशी होती है और जब जावेद हम हमारे एक और ये वो ये जावेद को भी जानते हैं जो मेरे बचपन का दोस्त है हाँ, <laughs> वो हमारा कनेक्शन है हाँ, दूसरा कनेक्शन दूसरा कनेक्शन है तो हमेशा मैं सुनता रहता था मतलब यार कितनी कमाल चीज़ है यहाँ पे एक तो क्या है ना लोग आ, दूसरों की खुशी में खुश होना वो एक अलग ही कमाल की चीज़ है वो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे फिर आ, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना वो पूरी ख़त्म ऐसे भसम हो जाती है और इस इंडस्ट्री के लिए खासकर आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है क्योंकि मतलब जो डेली खासकर एक जब एक एक्टर होता है या राइटर भी इतने डेली बेसिस पे आपको रिजेक्शन मिलते हैं ना ऑडिशन दिया मना हो गया कोई स्क्रिप्ट सुनाई रिजेक्ट हो गई वो रिजेक्शन 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 वो इट कैन टेक अ टोल ऑन यू मतलब मेंटली आप मतलब ख़त्म हो सकते हो मतलब आप कहीं कुछ भी हो सकता है लाइफ में बट उसमें एक पॉजिटिविटी रखना मतलब तो उसके लिए आपको अपनी मोटी चमड़ी करनी पड़ती है चमड़ी को ना एकदम मतलब मोटा करना पड़ता है ताकि कि जो आ रहा है आंधे <laughs> तो वो पॉजिटिव uh, अप्रोच रखना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से और दूसरों की खुशी में खुश होना बहुत जरूरी है तो यही है यार लाइफ और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से थैंक यू सो मच आर्यव आई होप दिस फन फॉर यू जितना मेरे लिए था मज्जा <laughs> um, अभी तो मेरे हिसाब से अभी तो शुरुआत है हाँ और आगे बहुत कुछ देखना पड़ेगा और बहुत कुछ सीटी और ताली मारेंगे हम लोग मैं मैं इस साल से बहुत उम्मीदें हैं मुझे क्योंकि कुछ बहुत अच्छा काम किया है जो अब इन जनता के सामने आएगा और मैं मतलब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे क्योंकि बहुत दिल से और बहुत मेहनत करके वो आ, प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं तो यस और आज बहुत मज़ा आया